हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लाज़ो की स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये कलियों वाला प्लाज़ो है, इसकी कटिंग मैंने पहले ही कर ली है। और ये देखिए, मैंने इसकी पॉकेट की भी कटिंग की है। ये रेडीमेड प्लाज़ो में लगती है ऐसी पॉकेट। ये देखिए, हमारे प्लाज़ो के चार चार पीस हैं। अब इसमें से हम दो दो पीस ले लेंगे। और दो को साइड में रख देंगे और ये दो पीस लेंगे। ये देखिए, ये दोनों सीधी साइड है और ये हमारी उरेब साइड है। तो हमें सीधी साइडों को जोड़ना है। मैं ये निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ। और एक निशान आप ऐसे भी लगा सकते हो, इससे आपको ध्यान रहेगा कि हमें ये पीस जॉइन करने हैं। अब ऊपर वाले हम पहले दो पीस उठाएंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके साइड में रखेंगे। हम मोरी की तरफ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पहले सिलाई को पक्का करेंगे। किसी भी सिलाई को लगाने से पहले जब शुरू करते हैं तो पक्का कर लेना चाहिए। इसको बराबर करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे और यहाँ भी पक्का कर लेंगे। ये देखिए, हमने दो कलियाँ जोड़ ली हैं। ये हमारे सामने के पैर की दो कलियों की। अब दो कली और जोड़ देंगे। ये दो कली और जुड़ गई हमारी। इसी तरीके से जो हमने दो बाद पीस रखे थे उन्हें भी ले लेंगे और सीधी साइड से जोड़ेंगे। ध्यान रहे, हमें सीधी साइड से जोड़ना है। ये देखिए, ये भी हमने जोड़ दिया। हमारे चारों पीस जुड़ चुके हैं। ये देखिए, अब हम अपने आसन की सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड अंदर की साइड और उल्टी साइड बाहर की साइड रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिला के पहले पक्का करेंगे और फिर आसन की सिलाई लगाएंगे। फिर से पक्का करेंगे और इस सिलाई को डबल कर लेंगे। अब हमने एक आसन जोड़ लिया। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का आसन भी जोड़ देंगे। अब हम पॉकेट लगाएंगे। ये देखिए, मैंने पॉकेट की कटिंग की हुई है। हम पॉकेट का एक पीस लेंगे और पॉकेट को उल्टा रखेंगे। अब एक निशान लगाएंगे आधा इंच पर। छः इंच की हम ओपनिंग रखेंगे और दो इंच ऊपर से लेंगे और छः इंच नीचे से निशान लगाएंगे। अब इस निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने 6 इंच ओपनिंग का रखा है, इसको पक्का करेंगे। यहाँ भी पक्का करेंगे। हम दोनों साइड कट के निशान लगाएंगे। यहाँ से कट करेंगे और एक बार यहाँ से कट करेंगे ताकि हमारी पॉकेट अच्छे से बाहर के अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब एक टॉप सीम लगाएंगे, पक्का करेंगे। अब ये कटा हुआ पार्ट हम बाहर कर लेंगे और पॉकेट को अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड करेंगे। और अब पॉकेट का दूसरा वाला पार्ट देखेंगे। ये देखिए, हमारा इस तरीके से आएगा। ये हमें सीधा दिखना चाहिए। ये दोनों साइड हमारी सीधी साइड अंदर है। अब देखिए, हम सीधी साइड पॉकेट के
जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सीधी साइड सिलाई लगाएंगे। जो हमने पॉकेट की गोलाई काटी थी इस पर सिलाई लगाएंगे। राउंड में अच्छे से बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। पक्का करेंगे। अभी सिलाई लग गई। अब पॉकेट को सीधा करेंगे। अभी देखिए मार्जिन वाला पार्ट अंदर चला गया और ये देखिए अब हमारी पॉकेट सुंदर लग रही है। ये देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट तैयार हो गई। अब हम एक सिलाई लगाएंगे इधर, जिससे पॉकेट और अच्छे से फिक्स हो जाए। इसको बराबर करके ऊपर तक लगा लेंगे इस सिलाई को। अब हम प्लाजो की, ये देखिए हमारी पॉकेट बिल्कुल सही से फिक्स हो गई। एक टॉप सीम हम पॉकेट के बाहर भी लगा लेंगे, हमारी पॉकेट में और मजबूती आ जाएगी सिलाई को लगाने के बाद। सभी फालतू के धागे दिख रहे हैं, इनकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने प्लाजो को फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे। ये हम पॉकेट की साइड से जोड़ेंगे ताकि हमें पता रहे हमारी पॉकेट सिलाई में ना दब जाए। जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर लगाएंगे। पहले पक्का करेंगे। और सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे हमारी पॉकेट ना दब जाए। एक बार यहाँ भी पक्का करेंगे। अब इस सिलाई को सीधा लगा लेंगे। दोनों अपने प्लाजो के बॉटम को पकड़कर, ये देखिए हमने एक साइड की सिलाई लगा ली। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली। अब ये देखिए हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये हमने बॉटम से शुरू करी। और जो अपना आसन का जॉइंट है उसको अच्छे से पकड़कर सिलाई एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये आसन की सिलाई हमारी बराबर आनी चाहिए। ये देखिए ये सिलाई हमारी बराबर आई तो हमारी पूरी सिलाई बराबर आएगी, क्योंकि अंदर की साइड से उरेब हो जाता है कपड़ा। ये देखिए हमारा बिल्कुल बराबर आया लास्ट सिलाई तक। अब प्लाजो में हम इलास्टिक लगाएंगे, उसके लिए हम इसको नापेंगे। ये देखिए ये हमारा 23 इंच आ रहा है।
तो इसी के बराबर की हम पट्टी काटेंगे, 3.5 इंच चौड़ी, और जितना हमारी गोलाई में पट्टी लगेगी उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। ये मेरी 23 इंच आ रही है, मेरी पट्टी में जॉइंट है तो मैं पहले उस जॉइंट को कर लूँगी, उस पर भी डबल सिलाई कर लूँगी ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अब दूसरी साइड से ये एक्स्ट्रा पट्टी थी इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब इस साइड से हम बीच में सिलाई को छोड़कर और फिर सिलाई लगाएंगे। हमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है, ये देखिए। अब इसे तरीके से सिलाई हम ऊपर की साइड पे लगाएंगे। जो मैंने सिलाई लगाई है इसको ओपन करेंगे दोनों साइड से, अच्छी तरह नाखून से प्रेस कर लेंगे, पट्टी को मोड़ेंगे। घुमा के दूसरी साइड से भी मोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने ओपनिंग छोड़ी है, ये नाड़ा डालने के लिए छोड़ी है, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो, नाड़ा डालना चाहते हो तो आप ओपनिंग छोड़ें, नहीं तो पूरी सिलाई लगा दें। आप देखेंगे मेरी राइट हिस्सा है हमारा। अब ये जो नाड़े वाला है हम सामने की साइड रखेंगे, यानी कि फ्रंट साइड। जैसा आपको दिखाई दे रहा है आप ऐसे करके सिलाई लगाएं। हमारा प्लाजो भी उल्टा है और पट्टी भी उल्टी है, क्योंकि ये पट्टी हमें बाहर की तरफ फोल्ड करनी है। अब हम इस पर एक टॉप सीम लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी आराम से फोल्ड हो जाए बाहर की तरफ। पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है हमें। ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इलास्टिक लेंगे, हमारा वेस्ट बैंड है 34 इंच, तो हम उसमें 5 इंच माइनस करेंगे और 29 इंच हम इलास्टिक लेंगे और इसको अच्छे से सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से सिलाइयाँ लगा ली हैं, अभी ये सिलाई हमारी खुलेगी नहीं। अब प्लाजो को लेंगे, जो हमने पट्टी लगाई थी इसके अंदर इलास्टिक को रखेंगे, ये देखिए, और 1/2 इंच फोल्ड करके फिर इसको और ओवरलैप करेंगे, ये देखिए, और फिर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई इलास्टिक पे नहीं आनी है। अब इलास्टिक को हम एक साइड से खींचेंगे जहाँ से हमारी सिलाई लग गई और सिलाई कंप्लीट कर देंगे। अब लास्ट पक्का कर लेंगे, ये देखिए हमारी इलास्टिक लग गई। जो भी धागे हैं हम कैंची से काट लेंगे और दोनों साइड से बराबर खींचेंगे, जिससे हमारी जो ये चुन्नटें हैं ये सारी बराबर हो जाएंगी। ये देखिए ये खींचने से हमारी सारी चुन्नटें बराबर हो गई हैं। अब हम इलास्टिक पे एक सिलाई लगा लेंगे सीधी साइड से, ताकि हमारी इलास्टिक पलटेगी नहीं और सीधी रहेगी। देखिए एक हाथ से हम आगे से पकड़ेंगे, एक हाथ से पीछे से पकड़ेंगे और फिर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इलास्टिक को खींचते रहेंगे,
ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है, हमारी सारी चुन्नटें बराबर आ गई हैं। ये देखिए अब हम प्लाजो के बॉटम को फोल्ड करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम दोनों प्लाजो के बॉटम को सिल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पॉकेट प्लाजो तैयार हो चुका है। ये हमारा कलियों वाला प्लाजो है। ये देखिए इसका घेरा, ये पहनने पर बहुत ही सुंदर लगेगा। ये इसकी पॉकेट है, ये रेडीमेड प्लाजो में देखकर बनाई है मैंने। ये देखिए हमारा प्लाजो इस तरीके से दिखाई देगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।